सोलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेमेस्टर। और आप चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन की ओर से ऑल प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो व्यूअर्स, आज है 11 मार्च और आज की वीडियो में बात करने वाले हम ऑलस्टोन टेक्सटाइल लिमिटेड के बारे में, जिसमें एक के बाद एक गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक लगातार गिरते हुए देखने को मिल रहा है। क्या स्टॉक को अब बाई कर लेना चाहिए, बाई करके बाद स्टॉक को सेल कैसे करना है या फिर इसको होल्ड करना चाहिए, पूरा बताऊंगा आज के इस वीडियो में। तो अगर आप देखेंगे तो एक महीने में स्टॉक 35 से 36% गिर चुका है। 6 महीने के अंदर देखेंगे स्टॉक एक अच्छा खासा हाई बनाया था, जो था करीब 1.58 का, और वहां से अच्छा खासा करेक्शन आ चुका है। और जब इस स्टॉक में तेजी चल रही थी तब भी मैंने कहा था इसको आप बाई मत करिएगा। किसी टेक्सटाइल स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, इसमें अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप एसजीपी ग्लोबल टेक्सटाइल की तरफ जा सकते हैं, इसकी तरफ मत जाइए। तो देख सकते हैं इसमें एक अच्छा सा करेक्शन आ चुका है, करेक्शन आपको और भी होते हुए देखने को मिल सकता है। मैं कोई वीडियो लंबी नहीं करना चाहता हूँ, मेरी इसमें कोई दो राय नहीं है, फंडामेंटल इसके बहुत ही खराब है और इसका प्राइस आपको और भी गिरते हुए देखने को मिल सकता है। स्टॉक आपको वापिस है 1.50 रुपये, 1.60 रुपये के आसपास आते हुए देखने को मिल सकता है। अगर आप बाई करने की सोच रहे हैं तो वहाँ एक बार इसकी तरफ आप जा सकते हैं, पूरी पैसा एक बार मत लगेगा, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बाई करते रहिएगा, जिससे स्टॉक गिरेगा तो आपकी बाइंग प्राइस कम से कम होगी। अगर आप इस स्टॉक में फंस चुके हैं तो आप एम ऑर्डर लगाइए, चांस है आपका स्टॉक सेल हो जाएगा। अगर आपको 20% ज़्यादा का लॉस हो रहा है तो आप इसे निकल सकते हैं, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने आपको, मगर 20% कम का लॉस हो रहा है तो आप इसे निकल लीजिए, बाकी कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि आपने इसको बहुत ऊपर की प्राइस पर बाई कर लिया होगा। बहुत सारे ऐसे यूएस हमारे जिन्होंने इसको ऊपर की प्राइस पर बाई कर लिया है, तो अब निकलने कोई मतलब नहीं बनता है, लगभग बॉटम बन चुका है। यहाँ से आपको वापस स्टॉक थोड़ा सा साइडवे के बाद एक वापस रिकवर होते हुए देखने को मिलने वाला है। अगर आप इसके फंडामेंटल देखेंगे तो इसका मार्केट 89.2 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही कम है, पर इसकी प्राइस के हिसाब से बहुत ही सही है। स्टॉक भी 12.4 का है, जो कि अभी देखिए आप तो ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। और बहुत सारे व्यूअर्स ये भी बोल रहे थे कि स्टॉक में सर लगातार लोअर सर्किट बाद लोअर सर्किट लग रहा है, स्टॉक सेल नहीं हो रहा है, तो सेल वैसे भी नहीं होगा क्योंकि इसमें अच्छा खासा एलसी लग चुका है। पर मैंने तब भी कहा था आप एम ऑर्डर लगाए, आपका चांसेस सेल हो जाएगा, कन्फर्म नहीं होगा पर हाँ चांसेस है, पर अब सेल करने का मतलब नहीं बनता है। बाकी अगर आप इसके सेल्स देखेंगे, जो इसका सेल्स था दिसंबर 2020 में जो था जीरो, मैंने आपको पहले बोला इसके फंडामेंटल बहुत ही खराब है। आप देखेंगे सेल्स जीरो था, जो कि दिसंबर 2023 में जीरो ही देखने को मिल रहा है। कंपनी का सेल्स बढ़ा भी था, 3.25 हुआ था, उसके बाद 4.85 होता जून 2023 में, वापिस से जीरो हो चुका है। जब कंपनी का सेल्स ही नहीं बढ़ रहा है तो प्रॉफिट कहाँ से बढ़ेगा। इसी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले -0.01 था, अब और भी ज़्यादा माइनस हो चुका है, -0.08। देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में ही देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही खराब बात है। और देख सकते हैं जून में जब यहाँ पे सेल्स बढ़ा था तो प्रॉफिट भी बढ़ते हुए देखने को मिला था, जो कि वाजिब सी बात है कि सेल्स बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। वहीं अगर आप इसका कैश फ्लो देखेंगे तो कंपनी के पास कैश फ्लो प्लस में है, जो कि हालांकि अभी ठीक देखने को मिल रहा है कि मार्च 2023 में कैश फ्लो प्लस में आया है, बस यही इसमें एक प्लस पॉइंट है। बाकी इसका अगर आप देखेंगे शेयर होल्डर पैटर्न तो प्रमोटर की 10.91 होल्डिंग थी मार्च 2021 में, जो कि पहले ही बहुत ही कम थी, जो कि और घटकर 7.97 हो चुकी है दिसंबर 2023 में। तो आपको इसमें बताने की जरूरत नहीं, आप समझ सकते हैं खुद ही कि प्रमोटर में होल्डिंग को क्यों डिक्रीज कर रहे होंगे। एफआईएस की देखिए हालांकि जीरो होल्डिंग देखने को मिल रही थी, बढ़ाई भी थी, वापस घटा ली है। पब्लिक की देखिए 89.09 थी, जो कि फिलहाल 92.03 हो चुकी है, तो पब्लिक की होल्डिंग यहाँ बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। और ये मार्च का डाटा है, सॉरी दिसंबर का डाटा है, मार्च में आपको आराम से 100% भी होते हुए देखने को मिल सकता है, और पब्लिक पूरी तरह से आपको इसमें फंसते हुए देखने को मिल सकती है। तो मैं बस आपको यही कहना चाहूंगा, रिस्क लेना चाहते हैं तो आप इस स्टॉक की तरफ मत जाइए। अभी आप देखिए तो निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से एक अच्छा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है। जिन स्टॉक आप पहले बाय नहीं कर पाए थे, स्मॉल कैप और मिड कैप, मैं लार्ज कैप की बात नहीं कर रहा हूँ, स्मॉल कैप और मिड कैप, उनको आप रिकमेंड कर सकते हैं मार्च में, उसको आराम से आप बाई करेंगे। थोड़ा सा करेक्शन के बाद आपको अप्रैल के अंदर अच्छा खासा रिटर्न बनते हुए देखने को मिल सकता है उन स्टॉक के अंदर। तो अगर आप बाई करने की सोच रहे हैं आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपको रिकमेंड कर दूंगा किस स्टॉक को बाई करना है, किसको नहीं करना है। लाइक जैसे कि आप एमटायर टेक्नोलॉजी हो गया, आवास फाइनेंस हो गया, SBI कार्ड हो गया, जुबिलेंट फूड हो गया, हैप्पीएस्ट माइंड हो गया, आप इन स्टॉक को बाई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा आपको आने वाले समय रिटर्न आके देखने को मिल सकते हैं। सो बस आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।